अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल अहमद खरल, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बैरियडॉन कराची। आज हम बात करेंगे बैरियडॉन कराची में 250 स्क्वायर यार्ड के जो प्लॉट्स हैं वो ओल्ड बीटी के हों, बैरिया स्पोर्ट्स सिटी के हों या बैरिया पैराडाइज के हों, उनकी प्राइसेस को डिस्कस करेंगे और उनमें क्या रिटर्न रहा पिछले एक साल में, प्राइसेस कहाँ पे थी और कहाँ पे जंप की, और आने वाले दिनों में हम उन्हें किस तरह से देखते हैं और किन चीजों को देखते हुए ये प्राइसेस मजीद ऊपर जाएंगी। सबसे पहले अगर मैं प्रिसेंट वन की बात करूं तो प्रिसेंट वन के अंदर इस टाइम पे जो 250 गज का प्लॉट है उसकी प्राइस इस टाइम पे तकरीबन 1 करोड़ 1.5 करोड़ से लेके 2.25 करोड़ तक हो चुकी है। और इसी तरह प्रेसेंट 6 और 8 की बात करूं तो वहां पे भी तकरीबन 1.20-1.30 से लेकर तकरीबन 1.60 तक जो है वो प्राइसेस पहुंच चुकी हैं। इन पे प्राइसेस इनकी एकदम से ऊपर जो गई हैं, और इन प्राइसेस में तकरीबन अगर हम लॉन्चिंग से देखें तो तकरीबन 1 करोड़ से लेके 1.25 करोड़ तक हमें गेन देखने को मिलता है। जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज लॉन्चिंग पे ली थी और आज तक होल्ड करके रखी, उनको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। उन्होंने क्या किया, थोड़ा वेट किया इन प्रॉपर्टीज पे और उस पर एक अच्छा रिटर्न लिया। इवन जिन लोगों ने शॉर्ट टाइम में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर चीजें ली, 1 साल पहले बाइंग की और पिछले दिसंबर या जनवरी की बात करूंगा तब तक जो चीजें होल्ड की, उनको भी एक बहुत अच्छा रिटर्न इन प्रॉपर्टीज पे देखने को मिला। एक तो प्रीसेंट वन के अंदर अगर मैं बात करूं, बहरिया के अंदर जो रूट्स मिलेनियम स्कूल है वो फंक्शनल है, उसके साथ साथ गेट के बिल्कुल करीब है। वहां पे कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो इस टाइम पे वहां पे तकरीबन 80-90% जो है वो घर बन चुके हैं। कुछ घरों के ग्रे स्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, किसी की फिनिशिंग पे काम हो रहा है। वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई 70-80% फैमिलीज भी मूव हो चुकी हैं। तो वहां पे फैमिलीज का मूव होना, गेट से करीब होना, इन तमाम चीजों की वजह से जो है वहां पे प्राइसेस बहुत हाई हो चुकी हैं। और इसके बाद 6 और 8 की बात करूं, बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है, इसकी सराउंडिंग में तमाम मेन अट्रैक्शंस आ जाती हैं, मिडवे बिल्कुल करीब है, गेट से करीब है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं बनता, हार्डली 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उसके बाद बैरिया हाइट्स पास है जिसका पोजीशन अनाउंस कर दिया गया, पिसन 10A 11A पास आ जाते हैं, जहां पे इस टाइम पे 100% फैमिलीज रहाइश पजीर है। 6 और 8 के अंदर वही बात, कंस्ट्रक्शन हुई, लोग मूव हुए, तो उनकी प्राइसेस भी इस टाइम पे काफी हाई जा चुकी हैं। और इनके प्राइसेस सेम अगले 1 साल के अंदर या 6 से 8 माह के अंदर अगर मैं देखता हूं तो इनकी प्राइसेस भी प्रीसेंट वन वाली हो जाएंगी। और प्रीसेंट वन की प्राइसेस जो आज हमें 2 करोड़ से नीचे प्लॉट मिलता है वो ऑलमोस्ट जो है वो आपका 2 करोड़ प्लस में सारे प्लॉट चले जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें प्रीसेंट 16 की, प्रीसेंट 16 के अंदर अगर मैं 6 या 8 माह पीछे जाता हूं तो जो मुझे प्लॉट था 250 गज का वहां पे 50-60 लाख में भी मिल जाता था, लेकिन इस टाइम पे वहां पे मिनिमम रेट जो है वो 90 लाख से लेके कुछ 1 करोड़ 30 लाख तक पहुंच चुका है। वो डिपेंड करता है आप किस लोकेशन पे जा रहे हैं, मीन जिना के पास जा रहे हैं, ग्रैंड मस्जिद फेसिंग प्लॉट्स ले रहे हैं। और यहाँ पे प्राइसेस बढ़ने की जो असल वजह थी, एक तो बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है, मीन जिना एवेन्यू पे ये प्रेजेंट है, ग्रैंड मस्जिद को फेस कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे घरों का बनना और इसकी बैक साइड जो बिल्कुल पैराडाइज के साथ लगती है, और पैराडाइज के अंदर भी इस टाइम पे काफी ज्यादा अच्छी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। तो कंस्ट्रक्शन और लोगों का मूव होना, ये मेन रीजन होती है किसी भी प्रेजेंट की प्राइसेस का ऊपर जाना और उसके अंदर आबादी का आना। तो इसके बाद हम बात करेंगे प्रीसेंट 32 की बात कर लेते हैं, जो कि स्पोर्ट्स सिटी विलास के पास आ रहा है, स्पोर्ट्स जो आपका रफी क्रिकेट स्टेडियम है उसके पास आ रहा है। इसकी सराउंडिंग बहुत अच्छी है, एक साइड से ये प्रीसेंट 31 के विलास के पास आ जाता है, स्पोर्ट सिटी विलास के पास आ जाता है, और इटसेल्फ 32 के अंदर पहले हमें कोई कंस्ट्रक्शन या घर बनता हुआ नजर नहीं आता था, लेकिन इस टाइम पे उसके जो 2 पोर्शन हैं, एक स्पोर्ट सिटी विलास वाला और दूसरा 31 के जो 125 गज के प्लॉट्स हैं, उन प्लॉट्स के साथ जो 250 गज के प्लॉट्स हैं, इन दोनों जगहों पे जो है वो लोगों ने अपने घर बनाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे आज हमें प्लॉट जो है वो अराउंड 75 से 90 तक जो है वो मिल जाता है, लेकिन जैसे ही मार्केट बेहतर होगी, दोबारा से चीजें होना शुरू होती हैं, तो यहाँ में 1 करोड़ प्लस के अंदर प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम स्पोर्ट्स सिटी के प्रीसेंट 34 की और 40 की बात कर लेते हैं, जिनके रेट्स अगर मैं 6 से 8 माह पीछे जाता हूँ तो सेम सिनेरियो, यहाँ पे हमें 40-45-50 लाख के अंदर एक अच्छा प्लॉट मिल जाता था। इस टाइम पे प्रीसेंट 34 के अंदर अगर आप बाइंग करना चाह रहे हैं तो आपको बैक साइड पे भी अगर जाते हैं तो 80-85 लाख का मिनिमम 250 गज का प्लॉट मिलता है। और अगर अच्छी लोकेशन स्टेडियम के करीब आते हैं हम या मेन जिना के करीब
करीब जो स्ट्रीट 1-2 या रोड 1 आता है उसके करीब जाते हैं तो वहां पे हमें जो रेट्स देखने को मिलते हैं वो अराउंड 1 करोड़ प्लस माइनस के अंदर रेट्स देखने को मिलते हैं। इसी के साथ पीसेंट 40 की अगर मैं बात करूं, 6 से 8 माह पहले की बात करूं तो यही पीसेंट जो है वो माइनस में प्लॉट्स इसके सेल होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर हुई, प्राइसेस उसकी 36 लाख पे आई, 40 लाख पे आई, 50 लाख में, पिछले 4 माह पहले तक 50-60 लाख के अंदर हमें प्लॉट्स वहां पे अवेलेबल थे। इस टाइम पे इस करंट मार्केट में, इस करंट सिचुएशन में अगर मैं बात करूं तो वहां पे मिनिमम प्लॉट जो है वो हमें 80-85 लाख का मिलता है और मैक्सिमम 90-95 लाख का वहां पे रेट हो चुका है। तो 250 गज के हवाले से स्पोर्ट सिटी और ओल्ड बीटीकी का ये एनालिसिस दिया। पैराडाइज की बात करते हैं, पैराडाइज आज से 8 माह पहले या 1 साल पीछे मैं जाता हूं तो हमें 15-20 लाख माइनस प्लॉट्स मिलते थे 47 में, 48 में, 49 में या 46 की मैं बात करूं, लेकिन इस टाइम पे अगर मैं 47, 48, 49 किसी भी पैराडाइज के प्रेसेंट के अंदर प्लॉट लेना चाह रहा हूं तो वो मुझे इस टाइम पे 30-40 लाख ऑन के ऊपर नजर आते हैं। इट मींस कि वहां पे मिनिमम प्लॉट जो है वो आपका 85-90-95 लाख में हमें देखने को मिलता है और 47 के अंदर घर बनना शुरू हो चुके हैं, एक घर का बिल्कुल ग्रे स्ट्रक्चर फुली कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद 48 के अंदर फैमिली जो है वो मूव हो रही है, वहां पे घर कंप्लीट हो चुका है, कुछ और घरों की साइट्स वहां पे चल रही है। 49 की फुली डेवलप्ड है, पोजेशन मिल चुका है, पैराडाइज विलास का पोजेशन मिल चुका है, उसके बाद लैंग्वेजी रिवर जो है उसकी ब्रिज का जो काम हो रहा था, मेरे 3 दिन पहले विजिट जो हुआ है वहां पे वो आपके साथ शेयर करता चलूं कि उस ब्रिज को कारपेटेड कर दिया गया, अगले हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर जो है उस ब्रिज को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छा और पॉजिटिव चीज जो है वो हमें देखने को मिलेगी। हर साल की तरह रमजान और बड़ी ईद के दरमियान तक जो है वो मार्केट इसी तरह से रहती है, रेट स्टेबल रहते हैं। इस मार्केट के अंदर आपको जो चीजें मिलती हैं वो कंफर्म मिलती हैं, वो कोई एबनॉर्मल रेट्स वाली नहीं मिलती। कोई मार्केट से एक प्लॉट, एक जो आपको एजेंट होता है वो अगर 50 लाख में दे रहा है तो दूसरा 60 लाख में कोट नहीं करवाता। अच्छी मार्केट है, इसके अंदर अंदर अगर आप परचेजिंग करते हैं तो जैसे ही मार्केट अगले 2-3 माह के बाद बेहतर होगी तो फौरन से ही आप एक अच्छे रिटर्न पर खड़े होंगे। तो बैरियर ऑन कराची में किसी प्लॉट की असेसमेंट के लिए या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।